हिमांशी और प्रियंका दोनों सगी बहनें थी। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए उर्मिला से दूसरा विवाह किया। लेकिन उर्मिला को केवल और केवल केशव की दौलत से मतलब था। उर्मिला प्रियंका और हिमांशी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। सोचा था इस केशव से शादी करके मैं इसकी सारी दौलत हड़प लूंगी, लेकिन इसकी दोनों बेटियां तो सांप की तरह मेरे सर पर बैठी हैं। शादी भी तो कर नहीं जा रही, लेकिन शादी करने में भी तो खर्चा आएगा और मैं नहीं चाहती कि केशव की दौलत में से एक भी रुपया फालतू खर्च हो। आखिर कल को उसकी हकदार मैं ही तो हूँ। इतने में केशव उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रही थी तुम रसोई घर में पराठे बना रही हो। बन गया खाना? मुझे काम पर भी जाना है। आप बैठिए, मैं अभी लाई। केशव खाने की टेबल पर बैठकर इंतजार करने लगा और उर्मिला रसोई घर में जाकर प्रियंका का हाथ मोड़कर कहती है, क्यों डायन, इतनी देर से खाना बना रही है? कितनी बार कहा है ना तुझे कि तेरे बाप के उठने से पहले खाना बना लिया कर। माँ, मेरा हाथ दुख रहा है, वो बस खाना बन ही गया था, पिताजी के लिए ले जाइए। उसके बाद उर्मिला खाना केशव के पास ले जाती है। मन कर रहा है जाने से पहले दोनों बच्चों का चेहरा देखता जाऊं। नहीं, वो मेरा मतलब है दोनों अभी सो रही हैं और उनकी नींद खराब करना अच्छी बात नहीं। लेकिन उर्मिला, समय तो देखो 10 बज रहे हैं। तुम हमेशा उनकी नींद के ख्याल रखती हो और सबके उठने से पहले ही खाना बना लेती हो और घर का काम भी कर लेती हो। आखिर आपको भी तो अपनी पसंद पर गर्व महसूस होना चाहिए, है कि नहीं? केशव खाना खाने के बाद काम पर चला गया। दरअसल कभी भी उर्मिला केशव को अपनी बेटियों से मिलने नहीं देती थी और हमेशा ये बहाना बनाती थी कि वो दोनों सो रही हैं। लेकिन सच तो ये था कि वो उन दोनों को सुबह 4 बजे ही उठा दिया करती थी और उनसे उनके पिता के उठने से पहले ही खाने से लेकर घर के काम तक सब करवाया करती थी। यहाँ तक कि 2 दिन में भी उन्हें 10 मिनट की नींद लेने दिया करती थी। क्यों हिमांशी महारानी, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, कपड़े साफ क्यों नहीं धुल रहे? तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। माँ, मैंने तो कपड़े रगड़ रगड़ कर धोए थे, लेकिन कल शाम को आंधी की वजह से कपड़ों में थोड़ी धूल लग गई होगी। कोई बात नहीं, अब ये सारे कपड़े फिर से धो और इस बार गलती से भी धूल नहीं होनी चाहिए। हिमांशी बहुत मेहनत से सारे कपड़े धो लेती है और उन्हें धूप में सुखा देती है। लेकिन 1 घंटे बाद जब वो कपड़े सूख जाते हैं, उसके बाद उर्मिला सभी सूखे कपड़ों के ऊपर पानी फेंक देती है। माँ, आपने सूखे कपड़ों पर पानी क्यों फेंका? क्योंकि मैं चाहती हूँ तू फिर से इन कपड़ों को धोए। तेरा एक बार का किया हुआ काम मुझे पसंद कहाँ आता है? दूसरी बार धोएगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा। ये मैंने तेरे भले के लिए ही किया है, अपने ससुराल जाएगी तो तेरे काम आएगा। दोनों बहनें उर्मिला की इन क्रूरता को खून का घूंट पीकर सह लेते थे। हिमांशी फिर से दोबारा मेहनत से कपड़े धोने लगी। तभी प्रियंका उसके पास आकर बोली, दीदी, हम क्यों इस तरह उस सौतेली माँ के अन्याय सहते रहे? हम पिताजी से क्यों नहीं कहते? प्रियंका, पिताजी ने उनसे दूसरी शादी हमारे लिए ही की थी और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके एक गलत फैसले की वजह से हम दोनों बहुत दुखी हैं और बचपन से लेकर अब तक हमने इतना सहा है, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भलाई चुप रहने में ही है। जब से वो औरत आई है, किसी ना किसी बहाने पिताजी से मिलने ही नहीं देती। मुझे वो चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। और पिताजी भी तो बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें क्या मतलब उनकी बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा हो। लेकिन ये सारी बातें उनकी सौतेली माँ सुन लेती है। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर है, मैं तो जानती ही नहीं थी। आज तुम्हारा ये जहर मैं निकाल ही देती हूँ। माँ, वो प्रियांशी का ये मतलब नहीं था। तुम दोनों को अभी सीधा कर देती हूँ। हाँ, इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो, तुम एकदम गवार हो, समझी? मुझे नहीं लगता तुमसे डर। दे दिया सुनाई, जो करना है कर लो। उर्मिला एक मोटे डंडे से उसकी पिटाई करते हुए बोली, तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है ना, अभी तुझे ठीक करती हूँ। माँ, उसे दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दो। रुक,
तुझे भी बताती हूँ। ऐसा बोलकर उर्मिला उन दोनों को खूब मारती है। दोनों के शरीर पर जख्म हो गए थे। अब पहुंची होगी तुम दोनों के कलेजे को ठंडक, आई थी मेरी चुगली करने। उसके बाद दोनों बहनें एक कमरे में बैठकर एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। दीदी, हमें पिताजी को सब बताना ही होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ प्रियंका, तुम्हें दर्द हो रहा है। दोनों बहनें सिसक सिसक कर रो रही थी। रात को जब उनके पिता घर आए, कहाँ है मेरी दोनों गुड़िया? तब उर्मिला रोते हुए उनके पास आकर बोली, ए जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं एक सौतेली माँ हूँ? क्या मैंने कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं किया? आपके बच्चों को कभी मैंने अपने बच्चा नहीं समझा? ऐसा क्यों कह रही हो, बल्कि तुम तो उन्हें बिल्कुल सगी माँ की तरह प्यार करती हो। पर बात क्या है? आज उन दोनों ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे सौतेली माँ कहा, यहाँ तक कि मुझे नागिन भी बोला, और ये भी कहा कि मैं उन पर हमेशा अत्याचार करती हूँ। पर ये मेरा दिल जानता है कि मैंने उन्हें हमेशा अपने कलेजे से लगा कर रखा था, पर आज उन्होंने पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये सुनकर केशव आग बबूला हो गया। वो गुस्से से अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाता है। पिता की आवाज सुनकर दोनों बाहर आई। पिताजी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, आज हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, ये तुम्हारी माँ है, सौतेली नहीं। तुम्हारी माँ तो तुम्हें छोड़कर कब की चली गई, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसने तुम्हें हर खुशी दी, इसके बाद भी तुमने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? लेकिन पिताजी, तभी केशव हिमांशी को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें कि तुम अपनी माँ को सौतेली और नागिन कहो? पिताजी, बस बहुत हुआ, अगर आपको आपकी पत्नी सबसे अच्छी लगती है तो आप रहिए उनके साथ। हम दोनों बहनों को ना इस घर में रहना है और ना ही अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ। हाँ, तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, मुझे तो शर्म आती है, मैंने ऐसे बेटियों को जन्म कैसे दिया। दोनों बहनों के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। हिमांशी घर से निकलते समय केवल अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपनी स्वर्गवासी माँ के हैंडबैग को ही अपने साथ लेकर आई थी। रात के अंधेरे में दोनों घर से बाहर चले गए और इधर उधर भटकते रहे। उर्मिला तो बहुत खुश थी, जो मैं चाहती थी वो तो हो गया, अब वो दोनों कुंडली के सांप यहाँ से दफा हो गए। वहाँ दूसरी ओर रात के अंधेरे में दोनों बहनों की हालत खराब हो रही थी। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? उर्मिला ने पिताजी को इस हद तक अपनी बातों में भड़का रखा है कि उन्हें किसी और की बात सच लग ही नहीं रही है। बुराई की हमेशा हार होती है, ऐसा माँ कहती थी। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कैसे बुरा हो सकता है? दीदी, आपके हाथ में ये माँ का हैंडबैग है ना? हाँ, माँ की आखिरी निशानी की तरह हमारे पास ये हमेशा रहेगा। अभी किसी आश्रम में चलकर रात बिता लेते हैं और सुबह उठकर कुछ ना कुछ काम ढूंढने निकल पड़ेंगे। हाँ, लेकिन जरा देखूं तो माँ के हैंडबैग में कुछ है या नहीं, क्या पता कुछ पैसे ही मिल जाए जो माँ निकालना भूल गई हो। ऐसा कहकर प्रियंका स्वर्गवासी माँ के हैंडबैग में हाथ डालती है और उस बैग के अंदर से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। दीदी, देखो इसमें तो पैसे हैं। अरे हाँ प्रियंका, इसमें तो पैसे हैं। ऐसा करते हैं, आज हम दोनों एक रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, कल सुबह सोचेंगे हमें क्या करना है। दोनों एक आश्रम में जाकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर केशव के सपने में उसकी स्वर्गवासी पत्नी आती है। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने आपके ऊपर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी छोड़ी। आप एक अच्छे पिता होने में असमर्थ रहे। पहले तो आप एक गलत औरत को उनकी माँ बनाकर ले आए। आप जानते भी नहीं कि उस औरत ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। ऐसा कहते हुए स्वर्गवासी पत्नी केशव को सारा दृश्य दिखाती है। सारा दृश्य देखते ही केशव की आंख खुल जाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। उठ गए आप?
हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पापी औरत, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बच्चियों के साथ बहुत बुरा किया, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा, पर उससे पहले मुझे अपनी बेटियों को ढूंढना होगा। उर्मिला समझ जाती है कि अब उसका भांडा फूट चुका है। केशव फौरन अपनी बेटियों को ढूंढने निकल पड़ा। एक बस स्टॉप के नीचे अपनी स्वर्गवासी माँ के हैंडबैग के साथ अपनी दोनों बच्चियों को देखते ही उसने गले लगा लिया। मैं सब जान चुका हूँ बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं पिताजी, आपको अब सच का पता चल चुका है, यही बहुत है। चलो अब घर चलते हैं। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहां वो नागिन रहती है। मैं उसे धक्के मार कर अभी घर से बाहर निकालता हूँ। वो तीनों जब घर पहुँचे तब वो देखते हैं कि उनके घर में हट्टे कट्टे पहलवानों के साथ उर्मिला खड़ी है, जो उन तीनों को घर में आने से रोक रहे थे। ये सब क्या ड्रामा है उर्मिला? ड्रामा नहीं है, बल्कि ये घर अब से मेरा है। आपको याद तो होगा ना पति देव, उस दिन जो मैंने आपसे कागजात पर साइन करवाए थे ये बोलकर कि गरीबों में कुछ दान करना चाहती हूँ, पर वो गरीबों के लिए दान करने वाले पेपर नहीं थे, बल्कि वो इस घर के कागजात थे जो आपने अपने हाथों से मेरे नाम किया है। मुझे अब खुद पर शर्म आती है, मैंने किस घड़ी में तुझसे शादी की थी? तू औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है, चुड़ैल। बहुत हुआ ड्रामा, पहलवानों इन तीनों की चटनी बना दो। पहलवान जैसे ही उन तीनों के पास गए तभी हिमांशी जोर से चिल्लाकर अपने स्वर्गवासी माँ के हैंडबैग में हाथ डालती है, काश मेरे हाथ में कोई चाकू होता। और ऐसा कहते ही हैंडबैग से चाकू निकलता है। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। वो सभी पहलवान डर के मारे कदम पीछे ले लेते हैं। तभी उर्मिला उनसे कहती है, मैं तुम तीनों को पैसे नहीं देने वाली, समझे? जिसके बाद पहलवान जबरदस्ती हिमांशी से चाकू छीन लेते हैं। तभी प्रियंका कहती है, काश मेरे पास अभी एक मोटा डंडा होता जिससे हम इन पहलवानों की पिटाई कर पाते। और तभी स्वर्गवासी माँ के हैंडबैग से अपने आप ही डंडा निकलकर बाहर आता है और वो डंडा अपने आप ही उन पहलवानों की खूब पिटाई करता है, जिसके बाद वो पहलवान वहाँ से भाग जाते हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? तब उर्मिला को समझ आता है कि उनके पास जो हैंडबैग है वो जादुई है। मन में कोई भी बात सोचने के बाद उस हैंडबैग में हाथ डालो तो वही सामान बाहर आता है जो हमें चाहिए। उर्मिला जबरदस्ती हिमांशी और प्रियंका से हैंडबैग छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी, पर मुझे अभी बचा लो। हैंडबैग उर्मिला के शरीर की आग बुझा दो। हिमांशी के इतना कहते ही हैंडबैग में से बहुत सारा पानी निकलता है और उर्मिला की आग बुझ जाती है। तब उर्मिला को अकल आती है कि अब उसे सब छोड़ देना चाहिए। अभी जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है, और मैंने ना समझी में तुम पर इतना अन्याय किया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आज के बाद तुम मुझे इस गांव में कहीं भी नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उर्मिला डर के मारे वहां से भाग जाती है। स्वर्गवासी माँ के हैंडबैग को आशीर्वाद समझकर दोनों बहनें उसे हमेशा अपने कलेजे से लगाकर रखते हैं। और अब केशव काम के साथ साथ अपनी बेटियों पर पूरा ध्यान देता था और अकेले ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देता था।